नमस्कार दोस्तों, टैगनी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। और मोटोरोला ने लिनोवो से मिलकर अपना नया स्मार्टफोन और मॉड्यूलर स्मार्टफोन फ्रॉम फ्यूचर लॉन्च कर दिया है, जो है मोटो जी और मोटो जी फोर्स। और इस स्मार्टफोन के हम फीचर्स के बारे में जाने तो फीचर तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर है जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का है, प्लस 4GB रैम है, उसमें 430 GPU है। प्लस उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने जाए तो उसकी स्क्रीन है 5.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले और इसकी डिस्प्ले शेडर प्रूफ है, यानी अगर स्मार्टफोन गिर जाए तो आपका जो कांच शेडर हो जाता है वो अब नहीं होगा। और मोटो जी की बैटरी है 2600 mAh की। और इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें हेडफोन जैक नहीं है। एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि आईफोन 7 में हेडफोन जैक नहीं है, मगर नो हेडफोन जैक वाला स्मार्टफोन अभी लॉन्च हो गया जिसमें हेडफोन नहीं है। इसमें एक्चुअली USB टाइप सी है, यानी कि इसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको और 15 मिनट में 15 आवर तक की बैटरी बैकअप यहाँ से आपको मिलेगी। और इसके हेडफोन आपको USB टाइप सी पोर्ट से ही कनेक्ट करने हैं। और ये स्मार्टफोन मोटोरोला कंपनी का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। एक्चुअली मोटो जेड की जो थिकनेस की हम बात करें तो वो सिर्फ 5.2 mm है और मोटो जी फोर्स की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, मगर वहाँ पे जो आपको थिकनेस मिल रही है उसमें आपको एक्स्ट्रा बैटरी भी मिल रही है। और मोटो जी फोर्स की जो बैटरी है वो 3500 mAh की है, यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा थिकनेस मिल रही है उसमें आपको एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिल रही है। और एक डिफरेंस इस स्मार्टफोन में ये है कि दोनों का कैमरा अलग अलग है। मोटो जी में आपको जो रियर कैमरा मिल रहा है वो 13 MP का है और मोटो जी फोर्स में आपको 21 MP का कैमरा मिल रहा है। और मोटोरोला ने जो दावा किया है वो ये है कि आज तक जो मोटोरोला ने कैमरे बनाए हैं स्मार्टफोन में, ये सबसे बेस्ट कैमरा होगा। और ये दोनों स्मार्टफोन NFC के साथ इंक्लूड हो गए, यानी कि आपको पता ही है कि NFC क्या है। काफ़ी सारे स्मार्टफोन NFC नहीं दे रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको NFC मिल रहा है। और यहाँ पे आप टाइटल में देख सकते हैं कि हमने लिखा है फ्यूचर मॉड्यूलर स्मार्टफोन, यानी कि आगे भी मॉड्यूलर स्मार्टफोन आए हैं। LG G5 एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन था, रिटेल मॉड्यूलर स्मार्टफोन। बाकी प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे आए और चले भी गए, मगर एक रिटेल यूनिट हम कहें तो LG का G5 था, जिसका हमने वीडियो किया था। उसमें बताया था कि फ्यूचर में आपको काफ़ी सारे मॉड्यूलर स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दूसरा मॉड्यूलर स्मार्टफोन है, इसमें जो मॉड्यूलर सिस्टम आपको दी गई है वो काफ़ी एडवांस है। इस फोन के पीछे आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक 16 डॉट मिल जाएंगे, यानी कि जो कैपेबल है डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी, यानी कि आपको जो मॉड्यूल होगे वो वहाँ पे फिट होगे वो 16 डॉट्स है। अभी कंपनी ने 4 मॉड्यूल अनाउंस किए हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है JBL का स्पीकर सिस्टम। इसके तहत आपको काफ़ी अच्छी म्यूजिक सिस्टम मिलेगी, स्टेरियो स्पीकर मिलेंगे। यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल आपको मिल रहा है जिसके तहत आप 70 इंच तक की पिक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी दीवार पर या फिर कहीं पर भी। और यहाँ पे जो तीसरा मॉड्यूल है इसके तहत आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिल रही है और कंपनी ने दावा किया है कि इस मॉड्यूल के तहत आप बैटरी को 20 आवर्स तक एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे जो चौथा मॉड्यूल है उसके तहत आप अपने बैक कवर को स्वैप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको वुड, लेदर जैसे अच्छे अच्छे दिखने वाले कवर मिल जाएंगे और वो मॉड्यूल की जगह पे फिट हो जाएगा, यानी कि अपने स्मार्टफोन को लुक को आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। और लिनोवो और मोटोरोला ने मिलकर इसका डेवलपर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत काफ़ी सारी कंपनियाँ इस मॉड्यूल स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड होकर इसके अलग अलग मॉड्यूल बनाएगी। यानी कि अगले मार्च 2017 तक कंपनी दावा कर रही है कि काफ़ी सारे और भी मॉड्यूल आपके सामने आपको यूज़ करने के लिए मिल सकते हैं। और मोटोरोला ने अभी इस फोन की प्राइस के बारे में कुछ रिलीव नहीं किया है, यानी कि अभी तो प्राइस क्या होगी वो कुछ पता नहीं है, मगर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस 2016 के एंड तक इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है और आप उसका हैंड्स ऑन ले सकते हैं। और अगर फ्यूचर में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस फोन के बारे में तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अंकुर सथवारा आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।